मालिकाना हक संघर्ष समिति द्वारा 86 बस्तियों को सबलीज नहीं बल्कि मालिकाना हक देने की मांग की गई है। मालिकाना हक संघर्ष समिति द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की गई है। उसमें उल्लेख है कि 20 वर्षों से मालिकाना हक के लिए आंदोलन किया जा रहा है। एक सामाजिक संगठन होने के नाते जमशेदपुर में 86 बस्तियों का मालिकाना हक के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए डीसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मालिकाना हक की बात वो कर रहे थे, उसी सिलसिले में हम लोग मैंने सबलीज नहीं हो जो एक स्टेटमेंट आ रहा था, मैंने पेपर के माध्यम से मालूम चला कि शायद वो मैंने 86 बस्तियों को मैंने सबलीज देना चाह रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूंकि 20 वर्षों का मैंने मालिकाना का आंदोलन केंद्रीय बस्ती विकास मतलब समिति बनाकर जो आंदोलन किए, उसी आंदोलन के एवज में जो उन्होंने बोला था उसी बात को हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को मतलब मालिकाना चाहिए या तो मतलब सरकारी लीज दे दे हम लोग को। सरजामदा ग्रामीण विकास संघर्ष समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए चौकीदार की मांग की है। उपायुक्त के पास पहुंचे इस समिति के सदस्यों का कहना है कि सरजामदा व ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों असामाजिक तत्वों का जमा हुआ लगा रहता है और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्र में चौकीदारों की तैनाती आवश्यक है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत क्षेत्र से हम लोग आए हुए हैं। सरजामदा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अत्यधिक जो है आपका चोरी, डकैती, छीनता, छेड़खानी, भूमि माफियों का जमावड़ा हो गया है, असामाजिक तत्वों का अड्डाबाजी हो गया, जुआ बहुत हो रहा है, अवैध शराब धंधा बहुत हो गया है, वहाँ पर बहुत जोरों से चल रही है, जिससे लोगों में भय बना हुआ है, महिलाओं को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना चौकीदार लोगों को अविलंब ड्यूटी दिया जाए। चौकीदारों को ड्यूटी देने से वहाँ पर जो भी असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा अड्डाबाजी हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो कुछ हद तक जो है शांति बने रहेगी। टाटा फुटबॉल एकेडमी में कोचिंग कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें युवा फुटबॉलरों को बेहतर खिलाड़ी बनाने के गुर सिखाए गए। टाटा फुटबॉल एकेडमी द्वारा देश के कोने कोने से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा को ढूंढकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरुवार को एकेडमी में चयनित खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 30 युवा हैं जिन्हें कोच विजय कुमार द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। मेन हम लोग का मकसद रहता है कि टैलेंट, अगर कोई फुटबॉल बच्चा कोई टैलेंटेड है, उसके पास पोटेंशियल है, तो हम लोग का टारगेट रहता है कि इसको हम लोग आगे लेके चले। ये एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म है TFA, जहाँ पर रियल फुटबॉल टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। तो ये सब बच्चे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो टाटा स्टील का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस तरह का जो बच्चे हैं उनको एक मंच प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि ये अपना प्रदर्शन जो भी है टैलेंट वो दिखा सके। तो 2 सप्ताह में हम लोग काफ़ी बच्चे लोग को देखे, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा इसमें सबसे अच्छा टैलेंटेड है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे आगे और प्रमोट करें। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति ने समन्वय समिति और शांति समिति को भंग करने पर आपत्ति जताते हुए उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष पशुपति नाथ पांडे ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस पब्लिक समन्वय समिति और शांति समिति का भंग कर दिया गया है, पर केंद्रीय शांति समिति को यथावत रखा गया है, इस पर उन्हें आपत्ति है। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति का है, ये 1 साल के कुछ दिन पहले चुनाव उनकी तरीके से हुआ था, हम लोग को सब जगह ग्रामीण ग्राम सभा करके और चुनाव किया गया था पंचायत में, और वहाँ से चाचा उनको चुना गया था, वो लोग चुन करके अध्यक्ष सेक्रेटरी का चुनाव किया, और कार्यकाल का बिना कुछ लेखा जोखा बताए हुए इसको भंग कर दिया गया। ये अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 साल तो रन करना चाहिए। अभी तो किसके पास है क्या शिकायत? हाँ, तो इसमें हम लोग महोदय के पास शिकायत लेके आए कि शांति समिति का तो विगत बहुतों साल से इलेक्शन नहीं हो रहा था, होना उसको चाहिए था। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति का हाल में हुआ, इसका कार्यकाल का कोई खास दिन हुआ नहीं, फिर भी अगर भंग किया गया तो केवल थाना लेवल पर
हम लोग का नाम है कि इसका सेंट्रल लेवल पर भी भंग किया जाए, सभी का इलेक्शन हो। प्रजातंत्र देश में जब प्रेसिडेंट का चुनाव जहां पर किया जा सकता है वहां पर हर सबका चुनाव होना चाहिए। तामुलिया स्थित गोविंद विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। स्कूल का सेकेंड ब्लड डोनेशन कैंप है। लास्ट ईयर वी हैव इनिशिएटेड इट एंड अंडर द एक्ट डिफरेंट क्लब्स वी हैव इन आवर स्कूल एंड अंडर ज्योति क्लब दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस ईयर वी होप फॉर बेटर देन द लास्ट ईयर एंड फॉर दैट द स्टूडेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे ओनली organize all these programs.